हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी जो हथेली है बिल्कुल एक स्क्वायर शेप बना रही है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी हथेली की शेप है वो एक स्क्वायर जैसी नज़र आ रही है, जो एक बहुत ही अच्छी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को शो करती है। और उसके बाद आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स की लेंथ यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, जो शो करती है काफ़ी अच्छी एनालिटिक एबिलिटी को। काफ़ी एनालिसिस ये करते होंगे, कोई भी काम शुरू करने से पहले पूरा सोच विचार कर करना, ऐसी नेचर रह सकती है। फिंगर्स भी थोड़ी पॉइंटेड है, जो इस चीज़ को और बढ़ाती हैं, एनालिसिस करने की जो नेचर है इसको और ज़्यादा इंक्रीज करती हैं। उसको फिंगर्स की लेंथ की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी जो सूर्य फिंगर की लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें इनकी तर्जनी से। वैसे तो तर्जनी की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। और सूर्य की जो लेंथ है यहाँ पर वो चाहिए होती है हमें क्रिएटिविटी के लिए। तो काफ़ी अच्छी क्रिएटिव नेचर इनकी रहने वाली है, बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है जो इनको काफ़ी क्रिएटिव बनाएगी। और सैटर्न फिंगर यानी कि शनि, अगर आप देखें इसकी लेंथ को तो काफ़ी अच्छी लंबाई में लगभग हथेली के साइज की फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है, जो इनको काफ़ी हार्ड वर्किंग नेचर का बनाएगी और काफ़ी मेहनती होने की वजह से लाइफ में तरक्की भी इनकी खूब रहने वाली है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी जो फिंगर है मरकरी, यहाँ पर मरकरी फिंगर की जो लेंथ है लगभग यहाँ पर इनके फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही है, जो यहाँ पर इनके लिए काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स शो कर रही है। काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स रहेंगे, थोड़ी सी शाय नेचर रह सकती है, अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम मुझे फिंगर से नज़र नहीं आ रही। सभी फैलेंजेस, अब जो नीचे वाले बेस फैलेंजेस आप देख सकते हैं काफ़ी थिक हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी एनर्जी और स्टैमिना भी इनके भीतर रहने वाला है। ओवरऑल सारी फिंगर्स काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके माउंट्स को और लाइंस को, कौन से चिन्ह इनके माउंट्स के ऊपर बन रहे हैं और लाइंस इनके बारे में क्या क्या प्रॉमिस कर रही हैं, सभी चीज़ों को अब आगे स्टडी करेंगे। तो एक लाइन ड्रॉ करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से माउंट्स सेट हैं, फिंगर्स की सेटिंग कैसी है, कौन सा माउंट हाई है और कौन सा लो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग ये तीनों माउंट्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। इवन मरकरी भी ज़्यादा लो सेट नहीं है, मरकरी भी अच्छी पोजीशन में है और इन माउंट्स के ऊपर बनने वाले चिन्ह भी बहुत से इफेक्ट डालते हैं। तो देखते हैं कौन से चिन्ह इनके माउंट्स के ऊपर बन रहे हैं और कौन सी लाइंस इनकी प्रॉमिस क्या क्या दे रही हैं। तो सबसे पहले तो मरकरी माउंट की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मरकरी माउंट के ऊपर यहाँ पर एक खड़ी लाइन मैं देख पा रहा हूँ, जो लगभग यहाँ से चलती हुई, और आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा, जो मरकरी लाइन है वो लगभग कुछ इस तरह से चलती हुई, थोड़ा सा दोबारा से ड्रॉ करना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ सीधी चलकर उसके बाद कुछ इस तरह के रुख में ऊपर की तरफ बढ़ती हुई और यहाँ तक लाइन पहुँचती हुई। मरकरी रेखा का मौजूद होना और मरकरी माउंट के ऊपर सीधी खड़ी रेखा का होना काफ़ी बेनिफिशियल माना जाता है। इस तरह की रेखा व्यक्ति के अंदर बिजनेस एक्यूमेन को बढ़ाती है, तो काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन रहेगा, बिजनेस माइंडेड, मनी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी रहती है और ऐसे व्यक्ति बिजनेस में काफ़ी तरक्की कर सकते हैं अगर अपना खुद का बिजनेस कभी भी लाइफ में करें। तो मरकरी माउंट यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स देता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे कोई भी नेगेटिविटी मरकरी माउंट के ऊपर नज़र नहीं आ रही। तो ओवरऑल उभरा हुआ मरकरी माउंट इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं सूर्य माउंट को। तो सूर्य माउंट के ऊपर आप देख सकते हैं काफी डीप कट सीधी रेखा है, जो बहुत ही अच्छा है, खास तौर पर सोसाइटी में रिकॉग्निशन के लिए, नेम एंड फेम के लिए इस तरह की रेखा का होना काफी अच्छा है। लेकिन यह रेखा जो है वो ओल्ड एज में चलकर एक्टिवेट होती नजर आ रही है, बहुत लंबाई में नहीं है लेकिन काफी डीप है। तो जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनकी सोसाइटी में अच्छी जान पहचान बढ़ती जाएगी, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रहेगा और इस तरह की रेखा होने की वजह से काफी नेम एंड फेम ये कमा पाएंगे ओल्ड एज में पहुंचते पहुंचते। तो ओवरऑल कोई भी नेगेटिविटी यहाँ पर भी मुझे नजर नहीं आ रही है। थोड़ी सी इमोशनल टाइप की नेचर इनकी रहने के चांसेस हैं, क्योंकि
यहाँ पर छोटा कट आप देख सकते हैं और ऐसा ये कट आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। वैसे ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर यह एक कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस बन जाता, कुछ इस तरह से एक अर्धचंद्रमा बनता है जिसको हम गर्डल ऑफ वीनस का नाम देते हैं। अगर गर्डल ऑफ वीनस किसी के भी हाथ में कंप्लीट बनता तो वो व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होता और अपनी क्रिएटिविटी की वजह से काफ़ी नेम एंड फेम पाता है। लेकिन यहाँ पर छोटा सा गर्डल ऑफ वीनस एक पार्शियल एक फॉर्मेशन उसकी होना इस बात की तरफ इशारा करती है कि काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी इनके अंदर रहेगी, सूर्य फिंगर भी इनकी काफ़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा मूड स्विंग जैसी परेशानी रह सकती है, एंग्जाइटी जैसी परेशानी और ऐसी हार्ट की लाइन का भी होना यहाँ पर इनको मूडी नेचर का बनाता है, इमोशनल टाइप की नेचर का दर्शाता है। ओवरऑल यहाँ पर और कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है। जो एक रेखा यहाँ पर जिसको हम स्ट्रेस लाइन कहते हैं वो उसकी कुछ फॉर्मेशन होती नज़र आ रही है कुछ इस तरह से, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप कट नहीं है। यह थोड़ा सा इनकी जो सूर्य रेखा है उसको काट रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा यश में कमी ला सकती है ये, क्योंकि किसी भी रेखा का सूर्य रेखा को काटना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता और कहीं ना कहीं वह जो हमारी रेपुटेशन को ख़राब करने की एक तरह से हमें ऐसी इंडिकेशन देती है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह सकती है इस राहु रेखा की वजह से। अदरवाइज काफ़ी अच्छी सूर्य रेखा इनके लिए बेनिफिशियल रहेगी। आगे देख सकते हैं आप इनका शनि माउंट, सूर्य माउंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उभरा हुआ है, एक बैलेंस्ड है और ऐसा ही शनि माउंट है यहाँ पर, ना ही बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ना ही बहुत ज़्यादा दबा हुआ, तो यहाँ पर एवरेज शनि माउंट है और शनि रेखा का थोड़ा वीक होना लाइफ में स्ट्रगल भरेगा। बाहरी सपोर्ट अच्छी रहेगी क्योंकि शनि रेखा यहाँ बाहर से चलती हुई आप देख सकते हैं, ऐसी शनि रेखा चंद्रमा के एरिया से चलती है, लेकिन अगर देखा जाए तो शनि रेखा बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं है, तो कहीं ना कहीं लाइफ में कंफर्ट्स को कम करती हैं शनि रेखा। यहाँ पर यह शो होता है कि काफ़ी मेहनत इनको करनी पड़ेगी, अपनी मेहनत के बलबूते पर ये आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि अगर शनि रेखा मौजूद हो, इस तरह की शनि रेखा किसी के हाथ में हो, तो उस व्यक्ति को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, भाग्य से ही सारा काम बनता रहता है। इसको इसलिए इसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर यह रेखा डिसअपीयर्ड हो तो ऐसे व्यक्ति को अपना भाग्य खुद बनाना पड़ता है मेहनत के बलबूते पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओल्ड एज में चलकर आगे शनि रेखा बढ़ती नजर आ रही है, यहाँ से शनि रेखा यंग एज में जो भी है शनि रेखा यहाँ पर अपीयर नहीं है, तो स्ट्रगल ज़्यादा रहेगी, मेहनत रहेगी, लेकिन रिटायरमेंट की एज बहुत अच्छी रहने वाली है, कम्फर्टेबल रहने वाली है, क्योंकि जहां जहां शनि रेखा नजर आएगी उस एज में कंफर्ट्स व्यक्ति को ज्यादा मिलते हैं। आगे आप देख सकते हैं इनका माउंट ऑफ जुपिटर यानी कि बृहस्पति माउंट, उसको चेक करते हैं यहां पर क्या क्या नजर आ रहा है। सबसे पहले तो ट्राइरिडल बृहस्पति माउंट का यहां पर बनता हुआ, ट्राइरिडल वो त्रिकोण होता है जो बारीक फिंगरप्रिंट वाली लाइन से बनता है, और अगर ये सेंटर में बन जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में बन रहा है, लेकिन इनका जो ट्राइरिडल मर्करी माउंट के ऊपर है वो थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्टेड है, जितना यह शिफ्टेड होगा उतना थोड़ा सा इसका प्रभाव कम होता है। तो यहाँ पर जैसे बन रहा है बिल्कुल सेंटर में, तो बृहस्पति माउंट को बहुत अच्छा कर रहा है, बृहस्पति की तरफ से काफ़ी ब्लेसिंग्स इनको मिलने वाली हैं, हायर एजुकेशन ये बड़ी अच्छी ले सकते हैं, प्रोग्रेस लाइफ में बृहस्पति की वजह से बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें आपको नजर आएगी यहाँ पर प्रोग्रेस लाइंस, दो प्रोग्रेस लाइंस हैं जो लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस दिलवाती हैं, निरंतर तरक्की बनी रहती है लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज व्यक्ति को मिलती रहती हैं। इवन फैमिली लाइफ के लिए भी बृहस्पति माउंट को बहुत अच्छा माना जाता है, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहती है, मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है जिनका बृहस्पति स्ट्रांग हो, और ओवरऑल हैप्पीनेस जो है हमें बृहस्पति जी की वजह से लाइफ में मिलती है। तो आगे देखते हैं मेजर लाइंस को, तो आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन यहाँ पर हल्की सी दिखाई दे रही है पहुँचती हुई बृहस्पति माउंट तक, जो एक ऑनेस्ट एंड लॉयल पर्सनैलिटी की तरफ इशारा करती है, और इस तरह की हार्ट की लाइन का होना यहाँ पर शो करता है काफ़ी इमोशनल नेचर को, केयरिंग नेचर को, ऐसे व्यक्ति बहुत ही केयरिंग होते हैं और दूसरों की बहुत केयर करते हैं, तो यहाँ पर केयरिंग नेचर रहेगी लेकिन साथ साथ इमोशंस काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आप देख सकते हैं थोड़ी सी ऐसी ब्रांचेज यहाँ पर मैं हल्की देख पा रहा हूँ जो इनकी हार्ट की लाइन से नीचे की तरफ निकलती हुई, और हल्का सा गर्डल ऑफ वीनस का कट यहाँ पर बनता हुआ जो इनको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रखेगा। अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर इनकी हार्ट की लाइन से नज़र नहीं आ रही है, कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, तो बहुत अच्छी हार्ट की लाइन यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। आगे आप देख सकते हैं इनकी माइंड की लाइन को, तो माइंड की लाइन यहाँ छोटी एज से ही
अलग होती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की माइंड की लाइन जो शो करती है कि 20 से पहले ही, 20 के आसपास की एज से ही यह इंडिपेंडेंट हो गए होंगे और अपने डिसीजंस इन्होंने खुद से लेने शुरू कर दिए होंगे। काफ़ी सीधी लाइन और अच्छी लाइन यहाँ पर, जो बहुत ज़्यादा झुकी हुई भी नहीं है, इनको बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप का इंसान बनाती है। काफ़ी अच्छी मेमोरी, शार्प मेमोरी, लंबाई से रेखा की हम देख पाते हैं, काफ़ी शार्प मेमोरी है। और शार्प मेमोरी होने के साथ साथ थोड़ी सी इमेजिनेशंस रह सकती है, ज़्यादा इमेजिनेशंस नहीं है, प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी मैं यहाँ पर इनकी देख पा रहा हूँ। आगे आप देख सकते हैं इनकी लाइफ लाइन को, वैसे इनकी जो फेट लाइन को तो मैं डिस्क्राइब कर ही चुका हूँ। लाइफ लाइन में अगर देखा जाए तो 30 के आसपास की एज तक थोड़ी सी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देखें आपको नज़र आएगा कि कुछ ब्रांचेस नीचे की तरफ निकलती हुई जो यहाँ 30 के आसपास की एज तक इनको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। लेकिन 30 के बाद की एज के बाद अगर आप लाइन को देखें तो बहुत क्लियर लाइन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक ब्रांच का नीचे की तरफ निकलना यहाँ से विदेश यात्रा को भी शो करता है, फॉरेन ट्रैवल्स रह सकते हैं। और साथ ही साथ लाइफ जो है इनकी लगभग 75 से 80 के आसपास की लाइफ को ये एंजॉय कर पाएंगे। काफ़ी क्लियर लाइफ की लाइन मैं देख पा रहा हूँ। और 30 से पहले की लाइन को अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा यहाँ से कुछ स्ट्रेस लाइन्स, कुछ काटती हुई और कुछ टच करती हुई कुछ ऐसी लाइंस यहाँ पर देख पा रहा हूँ जो कहीं ना कहीं इनको थोड़ी बहुत स्ट्रेस देता हुआ नज़र आ रहा है। और इमोशंस की भी प्रॉब्लम ये यहाँ पर 30 की एज तक दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद की लाइफ इनकी बहुत अच्छी रहने वाली है। उसके बाद वीनस की बात की जाए तो वीनस यहाँ पर मुझे काफ़ी क्लियर और काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। हल्की सी वरी लाइंस है वीनस के ऊपर, जो ज़्यादा चिंता जिसकी करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छा वीनस, हर तरह की सुख सुविधाएं इनको लाइफ में मिल जाएंगी। और चंद्रमा का एरिया भी काफ़ी क्लियर है, हल्की ट्रैवल लाइन्स के साथ है, लेकिन कोई भी प्रॉब्लमैटिक चिन्ह मुझे मून एरिया के ऊपर नज़र नहीं आ रहा। कुछ ट्रैवल लाइंस और फेट की लाइन का यहाँ से चलना इनको फॉरेन ट्रैवल्स करवा सकता है, काफ़ी सारी यात्राएं, क्योंकि यहाँ पर लाइफ की लाइन से एक लाइन का बाहर की तरफ निकलकर चंद्रमा तक पहुँचना इनको काफ़ी ट्रैवलिंग दे सकता है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।